तो दिल्ली जंतर मंतर पर भारतीय रेसलर्स धरने पर बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधियों के निशाने पर आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा ही आरोपियों के साथ खड़ी होती है। पहले हरियाणा के खेल मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं और अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब खिलाड़ी पदक जीतते हैं तब उनसे कोई जाति नहीं पूछी जाती, और आज जब खिलाड़ी अपनी परेशानी बता रहे हैं तब उनसे इतने सवाल आखिर क्यों पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि पीएम ने विनेश को कहा था कि मैं तुम्हें निराश नहीं देख सकता। कई कोचेज ने प्रताड़ित किया उनको, लगातार उनको परेशान किया, और उसके बावजूद भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, कई बार के सांसद हैं, वो उस पद को छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मैं दो बयान आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया, उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, खिलाड़ियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये दो तरह का रवैया क्यों है? जब हरियाणा में इसी तरह का केस आपके खेल मंत्री के खिलाफ इसी तरीके का आरोप लगा तो आपने कहा कि ये बयान अनर्गल हो सकते हैं, पहले जांच हो उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। अब कल आपने बयान दिया जब आपने देखा कि समाज से चौतरफा दबाव है और इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए ख्याति अर्जित की है वो जंतर मंतर पर जाकर के बैठ गए हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर, तो आपने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। खिलाड़ियों के साथ हरियाणा में भी गलत हो रहा था, खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है। दोनों जगह बीजेपी के नेता किसी भी हालत में अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। बार बार ये बिगुल बजाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा साफ और सीधा सवाल सरकार से ये है, इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे, और इन्वेस्टिगेशन का जो मूल सिद्धांत है, बराबरी का जो सिद्धांत है, वो कैसे कायम होगा जब एक जो आपके जिन जो आरोपी हैं वो सभी बड़े पदों पर बैठे हैं, कोई मंत्री है, कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, सांसद है, और दूसरी तरफ जो पहलवान है वो सड़क पर बैठे हुए हैं, वो अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी सुनवाई करने